किड्स, सच्चे और ईमानदार बालक के इस एपिसोड में हम कहानी सुनेंगे बालक जॉर्ज वाशिंगटन की। कहानी बालक जॉर्ज वाशिंगटन की परोपकार प्रियता एवं सत्यवादिता की कहानी। तो चलो सुनते हैं। एक पहाड़ी नदी के किनारे सवेरे के समय एक स्त्री बड़े करुणापूर्ण स्वर में चिल्ला रही थी, बचाओ मेरे बच्चे को बचाओ। लोग दौड़े आए पर कोई नदी में कूदने का साहस नहीं कर सका। नदी की धारा बहुत तेज थी और भय था कि उसे पड़ने पर चट्टानों से टकराकर हड्डियां तक चूर चूर हो जाएंगी। इतने में एक 18 वर्ष का युवक वहां दौड़ा हुआ आया। उसने अपना कोट उतारकर धरती पर फेंक दिया और वह धम से नदी में कूद पड़ा। लोग एक तक देख रहे थे। अनेक बार वह नौजवान भवन में पड़ता जान पड़ा, कई बार तो वह बाल बाल बचा चट्टान पर टकराने से। कुछ क्षण में यह सब हो गया। अंत में वह उस डूबे हुए मूर्छित बालक को अपनी पीठ पर लादे तैरता हुआ किनारे आ गया। दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेल जाने वाला यह युवक था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के एक किसान का लड़का था। जब वह छोटा था तब एक दिन उसके पिता ने उसे कुल्हाड़ी दी। उसे लेकर जॉर्ज बगीचे में खेलने लगा। बगीचे में जो पेड़ देखता उसी पर कुल्हाड़ी चलाता और हंसता। उसके पिता ने बड़ी कठिनता से प्राप्त करके एक फल का वृक्ष लगाया था। जॉर्ज ने उस पर भी कुल्हाड़ी चला दी। इस प्रकार कुल्हाड़ी से खेलकर वह खुशी खुशी घर लौटा। इधर उसका पिता बगीचे में पहुंचा तो उसने उस फल के पेड़ को कटा देखा। उसे बहुत दुख हुआ। उसने मालियों से पूछा पर किसी ने भी पेड़ काटना स्वीकार नहीं किया। तब घर आकर जॉर्ज से पूछा। जॉर्ज ने कहा, पिताजी मैं खेल रहा था और पेड़ों पर कुल्हाड़ी चला चला कर यह आजमा रहा था कि मुझसे पेड़ कटते हैं कि नहीं। उस पेड़ पर भी मैंने ही कुल्हाड़ी मारी थी और वह उसी से कट गया था। पिता ने कहा, बेटा तुझे इस काम के लिए तो मैंने कुल्हाड़ी नहीं दी थी, परंतु तेरी सच्ची बात पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इससे मैं तेरा अपराध क्षमा करता हूँ। तेरी सच्चाई देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। यही जॉर्ज वाशिंगटन बड़ा होकर अमेरिका का प्रख्यात अध्यक्ष हुआ। तो बच्चों कहानी हो गई ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय।